हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हम लोग तीन एग्जांपल्स यहां पे करने वाले हैं बेस्ड ऑन कोहल रोश लॉ और उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग शुरू करते हैं। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट की। तो हमें इन दोनों कंपाउंड्स की मोलर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। कोहल रोश लॉ के अकॉर्डिंगली आप लोगों को पता है कि अगर मुझे कैल्शियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करनी हो तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है कि जो भी आयंस होते हैं कैटायंस और एनायंस, वहां पे उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मुझे क्या करना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पर कैल्शियम के कैटायंस हैं और क्लोरीन के एनायंस हैं, लेकिन कैल्शियम की तो एक एटम है, क्लोरीन की यहाँ पर दो एटम्स हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर टू प्लेस कर देंगे। चलिए टेबल से हम लोग इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम के आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो है 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लोराइड के आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब 119 प्लस 6, 12, 15, अब हम लोग इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे। तो आई एम गेटिंग 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये कैल्शियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास आ गई। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। अब हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको इरेज कर देते हैं। तो वही कोहल रोश लॉ लगाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, मैग्नीशियम के आयंस एंड सल्फेट के आयंस। तो मैग्नीशियम के आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और सल्फेट की है 160। ध्यान रखिए यहाँ पे सल्फेट का एक ही आयन है, फोर्थ ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे सल्फेट के आयंस की बात कर रहे हैं इट मींस SO42 नेगेटिव। So when you will add, you will get 266 centimeter Simon centimeter square mole inverse. तो इस तरीके से आपके पास limiting molar conductivity calculate हो गई, first CaCl2 के लिए and now for MgSO4 के लिए। चलिए इसको आप erase कर देते हैं। लोग सेकंड करेंगे। हमारे पास अब सेकंड एग्जांपल है, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है NaCl की, दैट इज 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। HCl That is 425.9। उसके बाद है सोडियम एसीटेट NaAC stands for acetate and it is 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें फाइंड करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर हाइड्रोजन एसीटेट और वी कैन से इथेनोइक एसिड। देखिए अब इसको हम लोग करेंगे कैसे।
जो एथेनोइक एसिड है या फिर हाइड्रोजन एसिटेट है, यहाँ पे इसके पास कैटाइन्स है एच के और एनाइन्स है एसिटेट के। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एच पॉजिटिव और एसी नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाए तो वी कैन कैलकुलेट दिस। लेकिन हमें गिवन है NaCl, HCl और सोडियम एसिटेट की। क्या हम लोग NaCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसे कैटाइन्स प्लस एनाइन्स की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बाय कोहल रोच लो। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, जो इलेक्ट्रोलाइट थे उनकी हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ब्रेक कर दिया है कैटाइन्स प्लस एनाइन्स में। अब देखिए हमें एक तो एच पॉजिटिव चाहिए यानी कि ये वाला टर्म, और एक ये टर्म चाहिए हमें एसिटेट, क्योंकि एच पॉजिटिव और एसिटेट नेगेटिव इन दोनों में से आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और Na और Cl को कैंसिल करना है, तो यानी कि ये वाली टर्म माइनस करनी पड़ेगी। इट मींस आई विल हैव टू राइट लाइक दिस, एच पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस एसिटेट नेगेटिव माइनस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप देख सकते हो H पॉजिटिव और AC नेगेटिव यानी एसिटेट, ये तो मिलके आपका हाइड्रोजन एसिटेट बन जाएगा। Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सोडियम के आयन एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की और सोडियम एसिटेट की तो ऐड करनी है, लेकिन NaCl की इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो व्हाट इज HCl, 425.9, सोडियम एसिटेट दैट इज 91 एंड NaCl 126.4। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4, सो आई एम गेटिंग 390.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई है फॉर हाइड्रोजन एसिटेट और यू कैन से एसिटिक एसिड। यस, चलिए लास्ट एग्जांपल अब हम लोग करने वाले हैं, थर्ड एग्जांपल। इसको अपन इरेज कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोग इक्वेशंस को प्लस माइनस प्रॉपरली यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। थर्ड है आपके पास कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 × 10⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, उसे हम लोग सी से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज 0.001028 मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। एंड कंडक्टिविटी यानी कि कापा इज गिवन एज 4.95 × 10⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इस कंसंट्रेशन पर एसिटिक एसिड की जो कंडक्टिविटी है वो ये वाली वैल्यू है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और मुझे एसिटिक एसिड की CH3 COOH या HAC जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा, हमें गिवन किया हुआ है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सबसे पहले तो के अल्फा का फॉर्मूला यू शुड नो, व्हाट इज के अल्फा का फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन इनटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा।
लेकिन हमारे पास अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये किसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे होता है और ये लिमिटिंग यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो आपको जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमें गिवन नहीं है, और वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन के, के अपॉन सी, सॉरी के अपॉन सी या कापा अपॉन सी। तो कापा यानी कि कंडक्टिविटी 4.95 इनटू 10 की पावर माइनस 5। कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.00108। यहां पर आप लोगों को डिवाइड करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा नॉट 390.5। तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले भी यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला है आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और दिस इज योर मोल लीटर इनवर्स, और ये वाली है आपके पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोल के साथ मोल कट जाएगा, लीटर के साथ लीटर, तो यहाँ पर जो लीटर सेंटीमीटर है उन्हें हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलिए रिजॉल्व करते हैं हम लोग। अब आपको पता है कि जो हमारे पास लीटर होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो हमें इसी चीज को यहाँ पर यूज करना है। 4.95 × 10 दी पावर माइनस 4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन 0.001028 मोल पर लीटर, यानी लीटर ऊपर है तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड में 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपके पास मोल के साथ मोल कैंसल, सेंटीमीटर क्यूब है और इधर माइनस वन है, तो 2 बच की पावर, तो इसका मतलब ये भी कैंसल हो गया, साइमन के साथ साइमन कैंसल हो गया, तो अल्फा एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो वो हमारा यहाँ पर डन हो गया। यानी कि हमने यूनिट से प्रॉपर रिटर्न कर ली। अब इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ अल्फा, पहले तो पॉइंट्स का झंझट सारा हटा लो, 100 लग जाएगा, 10 दी पावर, ये माइनस 5 है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 2 रह गया, नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब 10 दी पावर 6 ऊपर चला जाएगा, 3, 9, 5, 4, 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
905, तो इसकी तो 10 लग गई और ये थी 10 की पावर 6, ये 2 है तो ये अपना बन गया 495/1028 × 3905, जो ऊपर गया नेट 2, 6 और 1, 7 माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, तो यानी कि 10 की पावर 3, तो यानी कि 1000। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एंड अल्फा विल बी कैलकुलेटेड। 495/0 / 1028 / 3905 तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई 0.123। चलिए इसको क्लियर करते हैं और अब चलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमें कैलकुलेट करना था, कि अल्फा दैट इज सी इनटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कंसंट्रेशन मुझे गिवन है 0.001028, अल्फा का स्क्वायर यानी कि 0.123 का स्क्वायर, तो दो बार लिख लेंगे और 1 में से 0.123
माइनस कर देंगे। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 0 0 1 0 2 8 ओके 2.123.123 थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेटर भी यहाँ पर अपना तो जवाब दे रहा है 1 डिवाइडेड बाय 0.123 तो 8.3 तो इसकी जीरो बन जाएगी 1 2 3 4 5 और इसकी जीरो बन जाएगी 2 8 1 3 ये बन गया आपके पास 200 upon 813 to 10 power -5। अब 200 को डिवाइड कर लेते हैं 813 से तो आई एम गेटिंग फाइनल रिजल्ट एज 0.246 into 10 power -5। पॉइंट को अगर आगे खिसकाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जीरो ऊपर ऐड हो जाएगी। जैसे आपके पास 0.246 है तो इसको मैंने 246 upon 1000 ले दिया तो दो जीरो यानी कि 2 point हो जाएगा, एक 10 बच गया, ऊपर जाके पावर -1 तो यानी कि -6 हो जाएगी। लेट मी चेक द आंसर। आंसर में इनका 1.78 into 10 power -5 आ रहा है। 1.78 का तो मैं समझ गया क्योंकि कैलकुलेटर की वजह से इन्होंने जो डिजिट्स हैं वो 0.123 1 2 3 3 लिया हुआ है तो इस वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन 10 power -5 और 6 का इशू आ रहा है। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं पे जीरो का कोई इशू हुआ होगा, ठीक है, कहां से कि यहाँ पे अभी कौन सा एक जीरो पे इशू आया होगा, बट ये क्लियर है कि जो मेथड है वो यही रहेगा, कहीं पे पॉइंट में कोई गड़बड़ कोई काउंटिंग करते हुए जीरो कम या ज्यादा हो गई जिस वजह से यहाँ पे -6 आ रहा है, इनका माइनस का 5 आया है, अदरवाइज बाकी कंसेप्ट हमारा सही है, ये वैल्यू भी मैच हो गई है, ये भी सारा कुछ सही है 1 2 3 4 5 हो सकता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया हो कैलकुलेट करते हुए। तो आई होप कि आपको 3 न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्रैक्टिस जरूर करें इनकी।